गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और बहुत बढ़िया माहौल होता है अभी। कल रात यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब हवाएं बह रही थी कि ये पेड़ पूरा इस साइड हो रहा था। वो मतलब बहुत डेंजरस आंधी की तरह यहाँ पे हवाएं चल रही थी। मुझे पता नहीं आपके एरिया में भी चल रही थी या नहीं। पिछले 2-3 दिनों से पुणे में ऐसे ही चल रहा है कि मतलब रात भर, शाम के बाद और रात भर बहुत ज़ोरों से हवाएं बहती है, और इतनी बहती है कि ऐसा लगता है कि कोई आंधी तूफान आ रहा हो। अभी भी बहुत ज़ोरों से हवाएं बह रही है अभी भी। आज से वैसे ये बुक पढ़ना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बुक है ये, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन डॉक्टर रे स्ट्रैंड के द्वारा, जो कि MD हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत बढ़िया बुक है। ये बुक एक्चुअली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 2 बार इससे पहले भी, लेकिन वो कुछ पूरी हुई और उसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि एग्जाम्स आते रहते बार बार। इस बार की सेकेंड सेम तो हमारे लिटरली मतलब 4 महीनों में या फिर 3 महीनों में ख़त्म हुई है, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल कुछ करने में वक्त कम मिल पाता है और ऊपर से बाकी सारी भी चीज़ें होती है तो उसकी वजह से। लेकिन अभी जो कि मुझे बहुत सारी छुट्टियां हैं तो ट्राई करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे गेन कर पाए। इस पर्टिकुलर बर्ड की तो आवाज़ मुझे इतनी पसंद है, ये फैंटेल है, वाइट थ्रोटेड फैंटेल नाम है इसका, और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अभी के लिए तो आता रहता है और ऐसे ही यहाँ पे चर्पिंग करता रहता है, तो वो सुनने में स्पेशली सुबह के और शाम के वक्त ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये ऐसे वो, और उसका विसल का टोन फिक्स्ड है, उसी टोन में गाता रहता है। आज ऑलरेडी निकलने में बहुत लेट हो चुका है, 10:15 बज गया है और अभी मैं यहीं पे हूँ। इस चौक में हमेशा भीड़ रहती है, सारे चलने वाले, कार वाले, रिक्शा वाले, बस वाले, सभी यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे अभी रोड्स का भी पुणे के बहुत सारे एरियाज में काम चल रहा है, जैसे कि अभी यही रोड देख लो, यहाँ पे भी अभी नया रोड किया है ये मानसून की तैयारी में। यहाँ पे आते हुए इतनी भीड़ लगती है ज्यादा मात्रा में, मतलब इतने सारे लोग रोज हर रोज काम पे जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, मतलब हर एक सिग्नल पे कई सारी कार्स, कई सारे टू व्हीलर्स, कोई रिक्शा से जा रहा है, हर एक को कोई ना कोई काम है, हर एक को कोई ना कोई काम करने के लिए जाना है और हर कोई बिजी है। कोई नहीं, अभी हम भी चलते हैं थोड़ा कॉलेज, और कुछ चीज़ें आज रिवाइज करनी है जूलॉजी की, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है तो रिवाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा, रेफरेंस बुक्स और एक्स्ट्रा मटेरियल से थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे कुछ गूगल वूगल से और रिवाइज कर लेंगे क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाली है। मतलब केमिस्ट्री और इंग्लिश की तो हो चुकी है, अभी रह गई है जूलॉजी और बॉटनी की, तो हमने अभी थोड़ा सा रिवाइज किया, 1-1.5 घंटा हो गया, तो कुछ रेप्टिलिया के बारे में, मतलब रेप्टाइल्स के बारे में। अब यहाँ से आने जाने का स्ट्रगल और बढ़ गया है, ये इससे दीवारों से कूद के आना पड़ता है यहाँ क्रॉस करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि हम रेप्टाइल्स पे, मतलब रेप्टिलिया पे थोड़ा रिवाइज कर रहे थे और उसमें एक 2 टर्म्स आई एक्चुअली, पॉइजनस और वेनमस, तो उनका डिफरेंस हम कर रहे थे, तो वो थियरी में डिफरेंस अलग है और उससे बढ़िया डिफरेंस मुझे रोहित ने बताया और वो डिफरेंस मुझे नॉलेज ऑफ द डे कैटेगरी में लगा। हाँ तो बताओ डिफरेंस बिटवीन poisonous and venomous. If something bit you and you died, it's venomous. If you bit something and you died, then it's poisonous. For example, if a dead body with a snake bite on his feet, then it would do venomous. But with a dead body with a half-eaten frog beside him, then it would do poison. So, snake is venomous, frog is poisonous, and you are dead. Thank you.
पिछले कुछ महीनों में पूना में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है, तो बढ़िया लगता है वो, एकदम शांत बसेस होती है। और बसेस में एसी का कंसेप्ट भी मतलब बहुत नया है, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कुछ महीनों पहले, लेकिन अभी अचानक से बसेस में ये सब चीज़ें आने लगी है, तो ट्रैवल करने में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छा लगता है। और ऊपर से पोल्यूशन भी नहीं, सो एनवायरनमेंट को कोई हार्म होगा ऐसा भी नहीं। हल्की हल्की बूंदे गिर रही है बारिश की, लगता है जोर से आने वाली है बारिश। FY तो मतलब हमारा ऑनलाइन ही हुआ, लेकिन SY पूरी तरीके से ऑफलाइन हुआ, लेकिन सेमिस्टर बहुत छोटे थे, तो पता ही नहीं चला कि कब FY और SY चला गया। मतलब 11, 12 तो वैसे भी कोविड के थे, लेकिन वो हमने एटलीस्ट फील तो किया कि वो हमने जी लिया है। FY SY तो मतलब ऐसा लगा कि स्किप ही हो गया वो, ऐसा हमारे मेमोरी में ऐसा कुछ बड़ा ऐसा 2 साल गए ऐसा कुछ मेमोरीज है, बस आए और ख़त्म हो गए। अभी कुछ महीने बाद TY भी स्टार्ट हो जाएगी, मेरे ख्याल से अभी वो भी दिन ऐसे फास्ट गुजरने वाले हैं, वो भी मेरे ख्याल से इतना ऐसा लगेगा नहीं कि 3 साल बीत गए। आपके कॉलेज के दिन कैसे थे? मेरे जैसे फास्ट गए या फिर स्लोली गए, या फिर क्या स्पेशल यादें थी वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, वो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मॉम और मेरा इस एरिया में कुछ तो काम था, डैड तो ऑफिस में ही थे, लेकिन हम यहाँ पे आए थे और भूख लगी थी और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं खाने, तो यहाँ पे आए थे और इवेंचुअली यहाँ पे हमने ये लिया, समोसा लिया और बहुत पसंद आया हमको। तो तब से हम इस एरिया नारायणपेट में ये है जय गणेश डेयरी, तो यहाँ पर ही हम आते हैं, समोसा का मन हुआ तो ये भी आते हैं। मतलब मेनली ये उसके लिए फेमस है ना, लस्सी के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों पसंद है। यहाँ पे आइए, शंकर भगवान के दर्शन कीजिए, और उसी के बगल में डेयरी है, सो एज ए लैंडमार्क भी आप ये मूर्ति रख सकते हो। यहाँ पे रुके हैं अभी, थोड़ा सा चाय पियेंगे और फिर आगे जाएंगे। रात के बज रहा है 10:30, आइए आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाते हैं हमारा। सो ये है मेरी जर्नल जूलॉजी की, सो यहाँ पे देखिए कुछ स्नेक्स का है, वेनमस नॉन वेनमस, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, सो देखिए उनके हेड के टाइप से, उनके स्केल्स से, रैट के बारे में बहुत कुछ है, देखिए रैट का हार्ट, उनका पूरा डिटेल में स्टडी, ये है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है उनका ब्रेन, ये अलग अलग एंगल्स है वैसे ह्यूमन ब्रेन्स की तरह ही, हालांकि बहुत हद तक इसका फंक्शन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो है। एव्स का कुछ है, एव्स मतलब बर्ड्स का, डक वगैरह, उनके फीट के टाइप, बीक के टाइप्स, कुछ है फिशेस का भी, पिंकटडा मार्गरेटिफेरिया, इनके अलॉन्ग विद इनके बायोलॉजिकल नेम्स, इनका स्टडी है इन सब का अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया, और ये कुछ और चीज़ है, और बहुत है सिलेबस, लेकिन ये ऐसा है ना प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस था, क्योंकि ये जर्नल थी तो उसकी वजह से मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए, क्योंकि आपको भी इसका आइडिया आ जाएगी कैसा है इस साल का सिलेबस। इसी के कल परसों 2 पेपर्स है, और ये होने के बाद बॉटनी, फिर एग्ज़ाम ख़त्म, फिर छुट्टियां शुरू। अगर आपने डीपली किया तो सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। अभी एडिटिंग करूँगा मैं, मॉम डैड तो बाहर TV देख रहे, सोने के लिए ऑब्वियसली देर हो सकती है, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।